नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज खबर। यूपी के आगरा से आ रही आगरा पूर्व विधायक प्रत्याशी संगीता तोमर ने आज कलेक्ट्री में सपेरों के साथ मिलकर DM महोदय के पास दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को मनकामेश्वर पर एक सपेरा अपने सांप के साथ भीख मांग रहा था। उसी समय वन विभाग की टीम ने आकर उसको जेल में बंद कर दिया। उससे परेशान होकर सभी सपेरे मिलकर आज कलेक्ट्री में DM साहब के पास ज्ञापन देने पहुंचे और कहा कि यह रीति रिवाज काफ़ी पुरानी है, इसको ना बदला जाए। अगर आप इसको बदलते हैं तो हमें कोई रोजी रोजगार दीजिए जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। ना तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटर ID कार्ड में नाम है। इस मौके पर किसान यूनियन के नेता भी मौजूद रहे और तमाम सपेरे अपने बच्चों के साथ में कलेक्ट्री में बैठे रहे। BNY न्यूज के लिए आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। ये समाज अपनी समस्याओं को लेकर तहसील करावली के कोने कोने से चलकर पैदल यात्रा करके तीसरा दिन पैदल यात्रा के माध्यम से आज जिला कलेक्ट्रेट पर आया है, जिसमें निकी समस्याएं कि जो सांपों को खेल दिखाने का काम करते हैं तो वन्य जीव सेक्शन के माध्यम से इस सपेरा समाज के लोगों को, कई लोगों को सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। तो उस मुकदमा की बातचीत और सपेरा समाज की तमाम जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए और उनको इस सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ आयुष्मान कार्ड की, शौचालय की और जो गरीबों के आवास होते हैं, उन सभी मांगों को लेकर आज सभ्य समाज के लोग आज क्रिकेट पर आए हैं। उनके साथ उनकी हक मत करने के लिए तैयार है। अगर अभी आप समस्याओं समझता है।